पीएम मोदी का लक्षद्वीप दौरा और मालदीव सरकार के तत्कालीन तीन मंत्रियों में इतनी बेचैनी छा गई कि उसके बाद प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक और अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर दिया। कई समाचार पत्र जहां मालदीव और चीन के बीच बढ़ती नजदीकियों को लेकर मोदी सरकार के विदेश नीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो दूसरी ओर मालदीव के राष्ट्रपति अब और उनकी पूरी टीम भारत के साथ बिल्कुल बेपटरी हुए रिश्ते को लेकर बेचैन नजर आ रहे हैं। भारतीयों की ओर से एकजुटता देख फिलहाल मोदी सरकार को यह पता हो चुका है कि जल्द ही भारतीय मालदीव की जगह लक्षद्वीप शिफ्ट हो जाएंगे और मालदीव को होने वाली मोटी कमाई भी निम्न पड़ जाएगी। लेकिन आगे जो कुछ सुनेंगे उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दरअसल चीन से अब मालदीव सरकार ने खुलेआम गुहार लगाई है कि वो उसके यहाँ भारी से भारी संख्या में सैलानियों को भेजें ताकि भारत के बायकॉट का असर कम पड़े। इधर भारत सरकार जल्द ही मालदीव को लेकर कोई तगड़ा एक्शन लेने वाली है। 5 दिन तक बीजिंग में रहे मुइज्जू ने चीनी नेताओं और उनकी मेहमानबाजी की जमकर तारीफ की है। मुइज्जू ने इस दौरान चीन के साथ कई अहम समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए हैं। मुइज्जू ने समझौतों के साथ साथ चीन से मालदीव में पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए और भारी पर्यटकों को भेजने के लिए भी मदद मांगी है। चीन से मुइज्जू का पर्यटन में मदद मांगने इसलिए चर्चा में है क्योंकि भारत से फिलहाल उनके संबंध अच्छे नहीं हैं। भारत में सोशल मीडिया पर मालदीव के बायकॉट की बातें कही जा रही हैं। आगे मुइज्जू ने जो कहा वो सुनकर आप और हंस पड़ेंगे। मुइज्जू ने कहा है कि चीन और मालदीव के रिश्ते बहुत पुराने और प्रगाढ़ हैं। दोनों देशों के लोगों के बीच भी कितनी करीबी है ये इससे पता चलता है कि कोविड महामारी से पहले पर्यटन के लिहाज से चीन मालदीव का नंबर एक बाजार था, यानी मालदीव में सबसे ज्यादा चीनी पर्यटक आते थे। मुइज्जू ने अनुरोध किया कि चीन और मालदीव इस शानदार रिश्ते को और फिर से लौटे और एक बार फिर उसी तरीके से ज्यादा चीनी मालदीव पहुंचे। हालांकि मालदीव जैसे देशों की दगाबाजी आप इस बात से समझ सकते हैं कि चीन के द्वारा फैलाए गए कोविड महामारी के दौरान भारत ने सबसे पहले वैक्सीन मालदीव जैसे देश को भेजी थी, क्योंकि मालदीव की माली हालत इतनी खराब थी कि वह महंगी डोज वैक्सीन की खरीद ही नहीं सकते थे। भारत ने मालदीव को कर्ज से लेकर बहुत सारी सुविधाएं मुहैया कराई हैं, लेकिन मालदीव ने उन सभी बातों को भुलाकर सिर्फ भारत की सेना पर नजर जमाया और कहा कि भारत अपनी मालदीव में मौजूद सेना को लेकर जाए। मालदीव और भारत के बीच के रिश्ते सालों पहले ही पटरी से उतरने लगे थे। मालदीव के ऊपर चीन का करीब 70% खर्च है, जिसके कारण मालदीव की सत्ता चीन की तरफ झुकने लगी है। मुइज्जू से पहले के राष्ट्रपति सोली भारत फर्स्ट की नीति पर कायम रहे। हालांकि जैसे ही नई सत्ता में मुइज्जू सरकार आई, उसने चीन फर्स्ट की नीति पर काम करना शुरू कर दिया। मुइज्जू पहले ही चीन के समर्थक हैं और उम्मीद भी की जा रही थी कि श्रीलंका की तरह मालदीव भी एक दिन दिवालिया हो जाएगा। मालदीव के कई जानकार मुइज्जू सरकार को लगातार आगाह कर रहे हैं कि भारत से इतर चीन की दोस्ती मुइज्जू सरकार को महंगी पड़ेगी। हालांकि क्या मुइज्जू सरकार इस पे आने वाले समय में ध्यान देगी वो समय बताएगा। फिलहाल आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है वो कमेंट करके बताएं और सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।